वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। पालक, फ्रेश क्रीम, दूध, ज़ीरा पाउडर, नमक, टमाटर प्यूरी, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, हरे मिर्च, पनीर। अब हम एक पैन में पानी गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें पालक ऐड कर लेंगे। और उसे 3 या 4 मिनट तक पका लेंगे। पालक को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडे पानी में निकाल लेंगे ताकि पालक का कलर ना चेंज हो सके। अब हम एक जार लेंगे। जार में पालक, हरी मिर्च और थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन में तेल को ऐड कर लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारे पनीर को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर लेंगे और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी भी ऐड कर लेंगे। उसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर, इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें पालक के पेस्ट को भी ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन सबको 2 या 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा पालक पनीर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे।